नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही मस्त चीज बताने वाला हूँ, लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर में हूँ और अभी देख सकते हो किसी दूसरे भाई का सेटअप में अभी मैं हूँ, ठीक है। और इधर मैं आया था अभी शादी घर, मेरा ही कोई रिश्तेदार में है, ठीक है, मेरा भाई का ही ऐसा भाई लगते हैं रिलेशन में, तो शादी था उनका। लेकिन गाइस मैंने बोला था कि आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो दूंगा, बीच में एक दो दिन गैप चल गया उसके लिए सॉरी। तो गाइज आप लोग मेरा बगल में स्क्रीनशॉट देख सकते हो। गाइज आज से कुछ दिन पहले मेरा चैनल इतना ज्यादा डाउन था ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। गाइज मेरा 28 डेज का अर्निंग होता था भाई $7, $8, $10, इससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ा आज तक, ठीक है। और 500 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया, व्यूज कितना आता था 19,000, 20,000, उससे घटता ही था, कभी बढ़ता नहीं था। और सब्सक्राइबर्स बढ़ने की तो बात ही मत बोलो, मेरा चैनल बिल्कुल एकदम डाउन की ओर जा रहा था। लेकिन गाइस आज मैं आप लोगों को कंसिस्टेंसी का पावर दिखाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे क्या हो गया। आ जाओ इधर दिखाते हैं अर्निंग कैसे बढ़ गया। तो गाइस इधर मेरा YT स्टूडियो रहा और इधर मैंने YT स्टूडियो को इधर ओपन किया, ठीक है। एंड इधर ओपन करने के बाद ही गाइज डायरेक्ट आप लोग को अर्निंग पे दिखेगा, ठीक है। अर्निंग इधर आप लोग को शो होगा, आप लोग बोलेगा अरे कार्तिक भाई यहाँ तो 500 रुपया था, मतलब जब मैं काम नहीं कर रहा था बिना कंसिस्टेंसी का, ठीक है। लेकिन देखो गाइज कंसिस्टेंसी के बाद एक अच्छा खासा पेमेंट, जो गाइज एक मजदूर मतलब भाई 200 रुपया का डेली काम करता ना, उनको मिलता है महीने का कितना 6,000 रुपया, ठीक है, 30 दिन में। मुझे घर बैठे भाई यूट्यूब से 6,000 इधर मिल जा रहा, देखो कैसे मतलब मेरा अर्निंग बढ़ गया। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखो डेली का भाई मस्त एकदम भाई, देखो काम करोगे भाई यूट्यूब पर, देखो कितना अर्निंग 150-200 भाई, जैसा जब मन तब, कभी 1200-1500 भी बन जाता है, ऐसा कुछ सीन है। अब गाइस मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ, इधर ही दिखाता हूँ, देखो ये मेरा हुआ कैसे, तो ये है कंसिस्टेंसी का दम। अभी मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो 22 घंटा पहले मैंने एक वीडियो छोड़ा, देखो प्यार सपोर्ट भी भाई बहुत अच्छा इसके लिए, थैंक यू। लेकिन देखो 3 दिन 5 दिन, ठीक है, बीच में एक दिन गैप था, मैंने बोला ना भाई मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन, देखो 9 दिन 9 दिन, मतलब एक दिन में कभी कभी दो भी डाल देता हूँ, ठीक है, 10 दिन 10 दिन दो डाला है एक दिन में, 11 दिन यहाँ पर भी कुछ था भाई, क्या गायब हो गया, मतलब बग हो गया, 12 दिन 13 दिन भाई, 2 वीक, मतलब 14 दिन 15 दिन सब। तो अब गाइस मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, थोड़ा डाउन कीजिए, तो अब गाइस मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर गाइस आप लोग कंसिस्टेंसी करोगे ना, तो कुछ भी हो भाई आपका चैनल जितना भी डाउन हो कोई टेंशन नहीं, आप लोग का चैनल बूस्ट कर जाएगा। क्योंकि देखो गाइज अगर मैं सोचता कि मेरा, जब आप लोग एक स्क्रीनशॉट में बगल में देख सकते हो मेरा वीडियो में 12 घंटे 14 घंटे में कितना वीडियो आता था भाई, मतलब कितना व्यूज आता था, 100-200, उससे ज्यादा कभी बढ़ता ही नहीं था। मैं अगर वैसा सोचता तो क्या आज मेरा जो व्यूज आ रहा है रियल टाइम का, एक चीज रुकिए वहीं रुकिए मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी रियल टाइम का व्यूज मेरा कितना आ रहा है, आप लोग भले एक एक ईंट करके जोड़ो, लेकिन जोड़ो एक एक ईंट करके जोड़ोगे भाई घर अचानक से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही गाइस कंसिस्टेंसी में वीडियो डालते रहो, भले 100 व्यूज आ रहा ना टेंशन नहीं है, एक दिन में 100 व्यूज आ रहा, 30 दिन में 3,000 तो आएंगे ना, ये हुआ कंपाउंडिंग का पावर, ठीक है। वैसे करके साल में कितना हो जाएंगे भाई, वैसे करके आप लोग काउंट कर सकते हो और काम करो, बीच में ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो वायरल ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को यही दिखाना चाहता था और मेरा अर्निंग भी बढ़ गया भाई, व्यूज भी बढ़ गया, सारा कुछ मतलब पूरा चैनल ही ग्रो हो गया। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी का पावर भाई और यूट्यूब में सबसे मैटर करता भाई। तो चलिए दोस्तों मैं यही आप लोग को बताना चाहता था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।